बारिश के बाद बिगड़ी गौरव पथ की सूरत, निर्माण में बरती गई लापरवाही की खुल रही है परते। आज तक नहीं हुई है संबंधित ठेकेदार पर कोई कार्रवाई। नोटिस की नौटंकी में दबे नगर पालिका के आदेश, मवेशी पालकों की हठधर्मिता और प्रशासन की ढिलाई के कारण वाहन चालक हो रहे हैं हादसे का शिकार। और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने किया भरवेली थाने का निरीक्षण, थाने के कार्य और आपराधिक गतिविधियों की हुई समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट में आंतरिक मार्गों में सुमार गौरव पथ का निर्माण हुए लगभग 4 बरस बीत गए हैं, लेकिन आज तक इस मार्ग के निर्माण में हुए घपले घोटालों की कोई जांच नहीं हुई। कार्यवाही के नाम पर केवल ठेकेदार को नोटिस थमाया गया और थूक पॉलिश कराया गया। हर साल बारिश के बाद गौरव पथ पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आते हैं, जिन्हें बारिश के बाद ढक दिया जाता है, लेकिन 15 करोड़ की लागत से बने इस मार्ग की कभी भी टेक्निकल जाँच नहीं हुई। लिहाजा बनने के बाद से ही यह मार्ग हर साल कई स्थानों पर दरक जाता है और बड़े बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं। इस मार्ग को लेकर तात्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे से लेकर सीएमओ ने खूब कसीदे गढ़े और ढिंडोरा भी जम कर पीटा गया, परंतु रोड का लेवल आज तक कैसे नहीं मिला इस बात की कभी प्रशासन को चिंता नहीं सताई और ना ही जनप्रतिनिधियों को। यही वजह है कि एक बार फिर गौरव पथ गोबर पथ में तब्दील हो गया है, जहां मार्ग पर चारों ओर डामर से उछलती छरहरी गिट्टी, गड्ढे और उबड़ खाबड़ वाले स्थान पर बारिश का जमा पानी दिखाई ही देता है। सबसे बुरा हाल तो अंबेडकर चौक से मोतीनगर चौक के बीच है। कुछ इसी तरह का हाल जयस्तंभ चौक से अंबेडकर चौक के बीच भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यह मार्ग बनने के बाद से ही ठेकेदार पर कई सवाल खड़े हुए और खूब पेपरबाजी भी हुई, लेकिन नतीजा ठाक के 3 पाथ ही रहा। गौरव पथ की बदहाली की कहानी जो भी हो, लेकिन इस मार्ग के ताज़ा हालात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब शहरों में बनने वाली सड़कों में ही मापदंडों का पालन नहीं होता है तो फिर गाँव की सड़कों का क्या हाल होगा। बालाघाट शहर की सड़कों पर आवारा गौवंश सुचारू यातायात व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। चाहे गोंदिया मार्ग हो या फिर मेन रोड या फिर गली मोहल्ले, शहर की तकरीबन सभी सड़कों पर आवारा जानवरों ने वाहन चालकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आए दिन इन जानवरों से छोटे बड़े वाहन टकरा रहे हैं, जिससे कई बार तो वाहन चालक ही गंभीर घायल हो जाते हैं। वहीं कई दफ़ा यह जानवर भी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं। नगरपालिका और जिला प्रशासन का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं होने के कारण गौवंश पालक भी निश्चिंत है। इस कारण इन जानवरों की संख्या दिन ब दिन सड़कों पर बढ़ते जा रही है। नगरपालिका प्रशासन की यदि हम बात करें तो इस समय ना तो कोई हाका गैंग सड़क पर दिखाई देती है और ना ही इन पशुपालकों पर कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते सड़कों पर आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी बढ़ते जा रही है। कई बार नगरपालिका ने मवेशी पालकों को नोटिस दिए हैं, लेकिन यह आदेश महज नौटंकी ही साबित हुए हैं। ऐसे में अब इन आवारा मवेशियों की समस्या से वाहन चालकों को कैसे निजात मिलेगी, यह अब देखना होगा। अभी इधर मतलब बहुत मिलेगी। परसवाड़ा के कुरेंडा मार्ग पर स्थित शिक्षक के घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के अंदर एक जहरीला काला नांग दिखाई दिया।
वहीं आनन फानन में उपस्थित घर के सदस्यों द्वारा वन विभाग की टीम को सूचित कर तत्काल बुलवाया गया। बताया जा रहा है कि परसवाड़ा के कुरेंडा रोड पर शिक्षक संजय रहांगडाले के घर में काला सर्प देखा गया, जिसकी फुंकार सुनते ही उपस्थित परिवार जनों में हड़कंप मच गया, जिसे दूर से देखने के बाद वन विभाग को तत्काल सूचित किया गया। इसी दरमियान खबर लगते ही जहरीले सांप को देखने आसपास के लोगों का हुजूम लगने लगा। हालांकि इसी बीच सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जिसने मशक्कत के बाद जहरीले सर्प को पकड़ लिया। वही रेस्क्यू किए गए जहरीले सांप को एक कपड़े की थैली में बंद कर जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया गया। जाने दो बिल में डालोगे क्या? वही पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने भरवेली थाने का निरीक्षण किया और बीते एक वर्ष में किए गए कार्यों और आपराधिक गतिविधियों की समीक्षा की। एसपी द्वारा किए गए इस वार्षिक निरीक्षण के दौरान भरवेली थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। एसपी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में क्या क्या कार्य किए गए और क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों के लिए क्या रणनीति बनाई गई है, इन सब की समीक्षा इस दौरान की गई। उन्होंने कहा कि भरवेली थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मचारियों ने अच्छा कार्य किया है, जिसमें और कुछ सुधार की जरूरत होगी तो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सभी कार्यों की अपराध के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और अन्य जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं उन पर रोकथाम करने के लिए क्या कार्रवाई थाने के द्वारा की गई और आगामी एक वर्ष में क्या की जाना है, इसकी एक रणभूमि रणनीति तैयार की गई और उसके तारतम्य में ये समीक्षा की जाती है। आज किया गया सर, फिर भी सर क्या क्या दिख पाया, देखिए आपने इसमें स्पेसिफिक? वही मैंने आपको बताया कि जो पुराने एक साल में जो अपराध हुए हैं, क्या उनमें कार्रवाई सही हुई, उनमें से कितने अपराधियों को जेल भेजा गया, इसके अलावा किन अधिकारियों ने अच्छा काम किया, किन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया और यदि किसी चीज़ में सुधार की आवश्यकता है तो उसकी समीक्षा की जाती है। कुछ कमियां तो नहीं रही? कमियां जो हैं उसको सुधार की आवश्यकता रहती है, उसमें निर्देशित किया गया है कि उन कमियों में आगामी आने वाली कार्रवाई में सुधार किया।